वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, वंस अगेन हियर आई डिस्कस अबाउट दैट योर संस्कृत सब्जेक्ट. ऑल स्टूडेंट टेक आउट योर संस्कृत बुक एंड ओपन योर चैप्टर 3. द नेम ऑफ योर चैप्टर स्वर वर्ण. बेटा आज हम तृतीय पाठा पढ़ेंगे और आपको पता है फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया गया है जिसमें अ से उ तक आने वाले स्वर से बने शब्द को हम लिखेंगे. ओके, तो इसको आप सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद इससे आगे के स्वर शब्द पढ़ेंगे. ओके, स्वर वर्ण से और कौन कौन से शब्द बनते हैं और कौन कौन से स्वर वर्ण होते हैं. चलिए डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे बुक निकाल लें एंड पेज नंबर 6 ओपन कर लें. बेटा आफ्टर उ उ, बेटा उ उ बड़ा उ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. अब हम आगे से पढ़ेंगे. ओके, अब आपका नेक्स्ट स्वर है री. री से क्या हो जाएगा? ऋषि. और ऋषि को हिंदी में क्या कहते हैं? साधु. ओके, नेक्स्ट क्या है री, इसे क्या कहेंगे? रिकारा. ओके, नेक्स्ट आपका संस्कृत का स्वर है ऋ. ऋ से क्या बनेगा? ऋकारा. ओके, ए. ए से क्या होगा? एड़ा. एड़ा को हिंदी में क्या कहते हैं? हिरण, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं. ओके, अब ये क्या है? ए स्वर. ए से क्या बनेगा? इरावता. इरावता को हम हिंदी में हाथी कहते हैं. सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से स्वर का इस्तेमाल करके आप शब्दों का प्रोनंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे और हिंदी मतलब पढ़ेंगे. ओके, ओ स्वर से क्या बनाएंगे? ओदनम. ओदनम मीन्स क्या होता है? भात. भात. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इतना आप सभी बच्चे अच्छे से रीड करें. आगे के पेज को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 7. अब देखिए नेक्स्ट स्वर कौन सा है? ओ. ओ मीन्स क्या होता है? और सीरम. और सीरम. और सीरम को हम क्या कहेंगे हिंदी में? बिस्तर. ओके, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, उसी तरीके से आप सभी पिक्चर की हेल्प से भी अच्छे से शब्दों का प्रोनंसिएशन मतलब उच्चारण करेंगे. अंग. अंग स्वर से हम क्या बनाएंगे? अंबुजम. और अंबुजम मीन्स क्या होता है? कमल. जैसे आप ये देखिए पिक्चर में देख रहे हैं क्या बना हुआ है? कमल. आहा. आहा स्वर मीन्स क्या होता है? आहा. ओके, तो सभी बच्चों ने सारे स्वर को अच्छे से पढ़ लिया है. संस्कृत में जितने भी स्वर हैं आप सभी उससे बनने वाले वर्ण शब्द का इस्तेमाल करें. स्वर वर्ण से बनने वाले सभी शब्दों को आप जोर जोर से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे. अभी तक कुछ बच्चों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, कुछ ने तो दिखाया भी नहीं वर्क. और वह सभी बच्चे जिन्होंने वर्क कक्षा में नहीं चेक करने के लिए भेजा है, वह सभी बच्चे वर्क कक्षा में चेक करने के लिए भेजेंगे और आगे के दिए गए स्वर वर्ण से बनने वाले शब्दों को अपनी कॉपी में हिंदी के साथ लिखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सुंदर सा अभ्यास है, इसे आपको अपनी किताब में करना है. ऑल स्टूडेंट कंप्लीट इन योर बुक. आपको यहाँ पे पिक्चर देखकर वह सभी वर्ड के पहले अक्षर लिखने हैं. ओके, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम का पहला अक्षर लिखिए. मतलब जैसे आपका ये पहला चित्र जो है वो किस अक्षर से स्टार्ट किया गया है, तो आप इसको जानते हैं आम कहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आ, बड़ा आ. ओके, इसी तरीके से आगे के चित्र को आप सभी पूरा करके कक्षा में चेक करने के लिए भेजें. सो डियर स्टूडेंट, आज का यह वर्क है, सभी बच्चे अच्छे से अपने वर्क को पूरा करें और संस्कृत के स्टूडेंट ज़ोर ज़ोर से स्वर वर्ण को आप पढ़ेंगे और याद भी करेंगे. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर वर्क एंड टेक केयर.